हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो के द्वारा हम लोग RHEL 7 की इंस्टॉलेशन कमांड लाइन के द्वारा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने RHEL 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो ग्राफिकल मोड के द्वारा डिस्कस की थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि RHEL 7 की इंस्टॉलेशन आप कमांड्स के द्वारा कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां पर मैं अगेन एक वर्चुअल मशीन यूज करूंगा, ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक RHEL 7 by CLI के नाम से एक वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। और वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ही एक RHEL 7 by CLI के नाम से वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, जिसके अंदर हम लोग RHEL 7 की इंस्टॉलेशन कमांड लाइन के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले RHEL 7 by CLI वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करते हैं। स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपके सामने एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा, जहां से आपको ISO फाइल का पाथ प्रोवाइड करना है, जिसके द्वारा RHEL 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से अब आप ISO फाइल का पाथ प्रोवाइड कीजिए, जिसके द्वारा हम लोग इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे। RHEL 7 देन ओपन, ओपन पर क्लिक करते ही यहां पर आप देख सकते हैं ISO फाइल का पाथ सेलेक्ट हो गया है। देन स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो पावर ऑन हो जाएगी और आपकी मशीन जो है वो ISO फाइल के द्वारा बूट कर जाएगी। प्रॉपर व्यू लाने के लिए व्यू में जाकर स्केल मोड पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड हैट एंटरप्राइज Linux 7.0। दोस्तों, जैसी वर्चुअल मशीन या कोई भी फिजिकल मशीन बूट करती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल DVD से, पेन ड्राइव से या ISO फाइल के द्वारा, तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है। ये यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज Linux 7.0, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज Linux 7.0 एंड ट्रबल शूटिंग। दोस्तों, इन ऑप्शंस को हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, तो अब मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा और ना ही आपको किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर की प्रेस करनी है। दोस्तों, अगर आप RHEL 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो ग्राफिकल मोड के द्वारा करना चाहते हो तो इन फर्स्ट और सेकंड किसी भी ऑप्शन के द्वारा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट कीजिएगा और एंटर की प्रेस कीजिएगा तो RHEL 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो ग्राफिकल मोड के द्वारा कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप RHEL 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो कमांड के द्वारा करना चाहते हैं तो यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस नहीं करनी है। यहां पर जस्ट आप अपने कीबोर्ड से स्केप की प्रेस करेंगे तो स्केप की प्रेस करते ही ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको जस्ट टाइप करना है अपने कीबोर्ड से टाइप कीजिए जरा लाइनेक्स स्पेस टेक्स्ट। लाइनेक्स स्पेस टेक्स्ट टाइप करके आप एंटर की प्रेस कर दीजिए।
जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं, कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर कुछ फाइल्स जो है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फाइलें जो हैं वो लोड होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनाकोंडा आपको डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों एनाकोंडा जो होता है ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलर होता है, जिसके जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है किसी भी मशीन के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही स्क्रीन है जिसके द्वारा हम लोग अपनी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टाइम जोन सेट करते हैं, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करते हैं, नेटवर्क सेटिंग कन्फिगर करते हैं, रूट का पासवर्ड सेट करते हैं, या फिर यूज़र क्रिएट करते हैं, पार्टीशंस वगैरह क्रिएट करते हैं और इंस्टॉलेशन सोर्स वगैरह डिस्कस करते हैं। तो अब इन ऑप्शंस के द्वारा दोस्तों हम लोग RHEL 7 की इंस्टॉलेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं कमांड लाइन के द्वारा। तो उसके लिए सबसे पहले आप, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन देख सकते हैं प्रोसेसिंग में आया हुआ है, इधर भी प्रोसेसिंग आया हुआ है, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपनी मशीन को। तो उसके लिए आपको आर प्रेस करना है, टू रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर आर प्रेस कीजिएगा और एंटर की प्रेस कर दीजिए। एंटर की प्रेस करते ही मशीन जो है रिफ्रेश हो जाएगी, और जहां पर देखो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में या फिर इंस्टॉलेशन सोर्स के अंदर प्रोसेसिंग ऑप्शन आ रहा था, अब आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन सोर्स के अंदर लोकल मीडिया सिलेक्ट हो गया है और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के अंदर भी मिनिमल इंस्टॉल आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर 1, 2, 7 यानी कि 7 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको प्रॉपर सेलेक्ट करना है या कॉन्फ़िगर करना है। तो जब भी आपको किसी भी ऑप्शन को मॉडिफाई करना है या उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो आपको वही नंबर प्रेस करना है जिसको आप मॉडिफाई या चेंजेस करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए टाइम जोन सेटिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं। टाइम जोन इज नॉट सेट, तो सबसे पहले हम लोग टाइम जोन सेट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा टाइम जोन जो आता है वो एशिया कोलकाता के अंदर आता है। तो यहां पर हम लोग 1 प्रेस करेंगे, जो भी मैं प्रेस कर रहा हूं वो आपको यहां पर देख सकते हो, दिखाई दे रहा है। यहां पर 1 प्रेस किया यानी कि मैं टाइम जोन को सेट करना चाहता हूं। सेलेक्ट कर 1 टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस कीजिए। एंटर की प्रेस करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं रीजन्स आपके सामने अवेलेबल है, यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर आप देख सकते हैं 6 नंबर पर आपका एशिया अवेलेबल है। तो मैं यहां पर 6 नंबर प्रेस करूंगा, ये आप देख सकते हैं 6 नंबर प्रेस किया और एंटर की प्रेस कर दीजिए। एंटर की प्रेस करते ही यहां पर आप देख सकते हैं एशिया के अंदर जितना भी सिटी अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है नंबर वाइज। तो 39 नंबर पर आपका कोलकाता आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप एंटर की प्रेस करेंगे कंटिन्यू के लिए। यहाँ पर आपको 39 प्रेस नहीं करना है, जस्ट आपको एंटर की प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप यूज नंबर, यहाँ पर आपको अपना सिटी नंबर प्रेस करना है जिसके लिए हम लोग यूज करेंगे 39, टाइप करके एंटर की प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं टाइम सेटिंग जो है वो एशिया कोलकाता टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पर, इंस्टॉलेशन सोर्स जो है वो लोकल मीडिया है, उसको एज इट इज रहने दीजिएगा। थर्ड ऑप्शन, यहां पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, मिनिमल इंस्टॉल है। दोस्तों मैंने आपको मिनिमल इंस्टॉल के बारे में लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि मिनिमल इंस्टॉल के द्वारा अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको 100% कमांड लाइन अवेलेबल होगा। तो उसके लिए आप यहां पर थर्ड नंबर को मॉडिफाई करने के लिए नंबर 3 प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मिनिमल इंस्टॉल ही सिलेक्टेड है, बेस इन्वायरमेंट के अंदर या सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के अंदर बेस इन्वायरमेंट आता है और यहाँ पर मिनिमल इंस्टॉल है। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सर्वर विद जीयूआई,
ताकि आप अपनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ग्राफिकल के द्वारा भी ऑपरेट कर सके के साथ साथ कमांड लाइन के द्वारा भी ऑपरेट कर सके। तो इसके लिए आप यहां पर 6 नंबर प्रेस कीजिएगा और एंटर की प्रेस कीजिए और आप यहां पर देख सकते हैं सर्वर विद जीयूआई जो है वो सेलेक्ट हो चुका है और ये आप देख सकते हैं ये अनचेक मार्क हो गया है। अब यहां पर आप कंटिन्यू करने के लिए सी प्रेस करेंगे, देख सकते हैं आप ये आपका ऑप्शन जो है सेलेक्ट हो गया। अब कंटिन्यू के लिए आप सी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए और आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 3rd नंबर के अंदर सभी पैकेजेस जो है वो सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसके लिए प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसके लिए करीब 6 से 7 सेकंड्स का वेट कीजिएगा और इतना टाइम वेट करने के बाद एक बार आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे, 4R R के द्वारा आप रिफ्रेश कीजिए स्क्रीन को और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 3rd ऑप्शन के द्वारा आप सर्वर विद जीयूआई ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों इस इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करेंगे।